नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात के अंतर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे जो किसान भाई हैं हमें बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब, आपने जो तोता प्लस कल्टीवेटर डाला हुआ है और आपने उसके वीडियो में भी हमसे बोला था कि आप 5 टाइम्स का जो तोता प्लस कल्टीवेटर होता है वो किस तरीके से होता है, उसकी क्या लंबाई चौड़ाई है, उसकी क्या खासियत है। तो आज दोस्तों मैं, आप देख सकते हैं 5 टाइम्स का जो तोता प्लस कल्टीवेटर है वो मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा, क्या इसकी लंबाई है, क्या चौड़ाई है, कितने एचपी पे चलेगा ये और क्या इसका रिजल्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो शेयर कर दें, ताकि हम इसी तरीके से जो कृषि उपकरण हुए, नए नए इम्प्लीमेंट्स हुए, उनकी जानकारी, उनके सुधारने से संबंधित पूरी जानकारी, उनकी कोई खराबी होती है उससे संबंधित कोई बात आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसकी जानकारी हम शेयर करते हैं, ताकि आप उसे अपने घर पर बैठ कर रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ इसके अंदर कि आप देखेंगे इसके अंदर 5 टाइम्स लगी हुई हैं। ये तोता प्लस कल्टीवेटर 5 टाइम्स का हमने इसको बनाया है। अब इसकी खासियत की बात बताएं आपको, तो तोता प्लस कल्टीवेटर आप जानते हैं कि इसके जो मुंडे हैं, ये मुंडे ये खुल के आप इसकी जगह 5 पास लगा सकते हैं, तो ये कल्टीवेटर भी हो जाता है, तो इसे तोता प्लस कल्टीवेटर भी बोला जाता है। प्लस इसके साथ इसकी मैं बता दूँ कि इसकी जो लंबाई है, यहाँ से इसकी लंबाई जो है वो 6.5 फीट है, 6.5 फीट इसकी लंबाई है। प्लस इसको हमने दोस्तों 3 बक्सों में बनाया हुआ, काफ़ी हैवी बनाया हुआ है ये भी, इसका वेट भी काफ़ी अच्छा आता है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमने इसको 3 की जगह पहले हम इसके अंदर 4 झूला पट्टी लगाते थे, अब इसके अंदर हमने अपडेट करा है तो 5 झूला पट्टियों से इसको कवर किया। आप देख सकते हैं पूरा 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरे 5 झूला पट्टियों से इसको कवर किया है। इसका कवर्ड करने का कारण ये है कि इसमें और यहाँ पे भी हमने सपोर्ट दी है, इसको हैवी और पहले से काफ़ी हैवी बनाया है, अब काफ़ी अपडेट किया हुआ है इसको। और इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने डबल बैंड में बनाया है। डबल बैंड का मतलब होता है कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ना। डबल बैंड टाइल्स का सबसे ज़्यादा जो किसान भाइयों की मांग रहती है वो रहती है डबल बैंड टाइल्स में, क्योंकि डबल बैंड टाइल्स का तोता प्लस कल्टीवेटर क्या रहता है, उससे ट्रैक्टरों पे लोड नहीं पड़ता है। ये छोटे ट्रैक्टरों के लिए, जो 50 से नीचे HP के जो ट्रैक्टर होते हैं हमारे, 30 से 35, 40 HP, 45, 50 से नीचे HP के ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये और काफ़ी अच्छा चलता है, स्मूथ मिट्टी को काफ़ी हल्का और फोरा बना देता है। और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर हमने क्या है, जो नक्के पहले जो लगाते थे हम, उससे भी काफ़ी अच्छे बैटर हमने इसमें नक्के भी बना कर दिए हैं, और साथ साथ इसकी क्वालिटी भी बढ़ा दी है, इसमें वेट भी काफ़ी बढ़ गया है। और इसको जो ट्रैक्टर के ऊपर है जब चलता है दोस्तों ये, तो उस पर ट्रैक्टर पर लोड भी कम पड़ता है, लोड कम पड़ेगा तो आपका जो ट्रैक्टर है वो डीजल भी कम खाएगा, डीजल कम खाएगा तो आपका एवरेज अच्छा देगा। तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों इस तोता प्लस कल्टीवेटर के। अब आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट आ रही थी उसके ऊपर हमने आपको ये तोता प्लस कल्टीवेटर हमने बताया है। तो दोस्तों अभी आपको हमने बताया, इसके बारे में जो जानकारी दी है वो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो आप तोता प्लस कल्टीवेटर देख रहे हैं 2-in-1 रहता है इसका तोता प्लस कल्टीवेटर, इसमें पास बदल के आप इसको कल्टीवेटर भी बना सकते हैं और ये तोता भी चलता है। इसको तोता इस मुंडो के हिसाब से बोला जाता है। और इसकी लंबाई मैंने आपको बताया 6.5 फीट इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 2.5 फीट चौड़ाई जो रहती है इसकी 2.5 फीट रहती है। और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है दोस्तों इसका। और ज़्यादातर किसान भाई हमारे, छोटे जो किसान जो रहते हैं, छोटे ट्रैक्टर वाले, उनके लिए बहुत अच्छा कामगार करता है ये दोस्तों, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी है। वीडियो अच्छी लगे, इस तरीके की जानकारियाँ और चाहते हैं प्लाऊ कल्टीवेटर मशीन से ड्रिल वगैरह की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।